वेलकम टू किंग गाइस। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों डिवाइसों का। एक तरफ है हमारी रियलमी की तरफ से रियलमी 5i और दूसरी तरफ है हमारी इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। हम दोनों डिवाइसों का स्टेप बाय स्टेप कैमरा फिंगरप्रिंट और सारी चीज़ों का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है अनबॉक्सिंग की और कंप्लीट रिव्यू की, और हमने रियलमी 5i की भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो पहले बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो स्पेसिफिक वीडियोज़ भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मोबाइल के लुक की तरफ। और पर्सनली मुझे रियलमी 5i का लुक बहुत ज़बरदस्त लगा है। इसके अंदर सनराइज़ शेड जो आ रहे हैं वो बहुत ही ग्लॉसी लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसके पीछे क्वाड कैमरा सेटअप है और एक LED लाइट है। एक साइड के ऊपर पावर बटन दिया हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर सिम स्लॉट और वॉल्यूम कीज दी हुई हैं। ग्रिप इस मोबाइल की बहुत ज़बरदस्त है, आप देखें कि इसको कैरी करना जो है वो बहुत ही आसान है। और दोनों मोबाइल की जो है ना वो तकरीबन एक ही साइज़ है दोनों मोबाइलों का। और यहाँ पे भी जो है वो क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। इन्फिनिक्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जबकि रियलमी 5i में फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे है। और वॉल्यूम की भी इसी साइड पे ऊपर दी हुई हैं, अदर साइड के ऊपर हमें सिर्फ सिम स्लॉट देखने को मिलती है। दोनों मोबाइलों के फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और ये मैसेज जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया है, मगर ये देखिए तो ये जो है ना वो दोनों ही बहुत क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के जो है वो मेरा ख्याल है अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के एक जैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब एक नज़र इनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी देख लेते हैं कि क्या फर्स्ट लुक निकल के आ रहा है। तो दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और दोनों ही अपने लिहाज से जो है वो अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ वाला नज़र आ रही है वो है रियलमी 5i की ब्राइटनेस। सेटिंग दोनों की सेम है मगर रियलमी 5i की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। लुक में दोनों मोबाइल में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर ब्लू वैसे मेरा फेवरेट कलर है तो इस वजह से मुझे जो है वो रियलमी 5i जो है वो लुक में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो चलिए पहले हम इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लॉन्चिंग डेट है, तो रियलमी 5i जो है वो 6 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ है जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट 6 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ है। डायमेंशन दोनों डिवाइसेस की सेम है, यानी कि दोनों डिवाइसेस जो हैं वो साइज़ के अंदर बिल्कुल एक जैसी हैं, जबकि वेट जो है वो रियलमी 5i का 195 ग्राम है और इन्फिनिक्स नोट 7 का 185 ग्राम है। तो तकरीबन वेट भी दोनों का एक जैसा ही है। दोनों डिवाइसेस में आप डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। दोनों डिवाइसों की स्क्रीन रेजोल्यूशन भी इक्वल है 720x1600। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो रियलमी 5i का एंड्रॉयड वर्जन है 9 जो कि अपडेट हो सकता है 10.0 तक, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट जो है वो एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। इसके अलावा चिपसेट को देखें तो रियलमी 5 में स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट है जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 में हीलियो P22 का चिपसेट है। जबकि रैम और रोम को देखा जाए तो रियलमी 5i जो है वो दो वेरिएंट में आता है, 3/32 और 4/64, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट जो है वो भी दो वेरिएंट में आता है, 4/64 और 4/128। लुक में अगर देखा जाए तो दोनों डिवाइस के बैक के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप है, मगर फ्रंट के ऊपर हमें रियलमी 5i में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन में कैमरे की बात करें तो रियलमी 5i में मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा। वीडियो इसमें 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी इसमें स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का।
और दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में देखा जाए तो इसका जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का और सेकंड कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप कैमरा और एक QVGA कैमरा है जो कि सपोर्ट के लिए है। वीडियो रिकॉर्डिंग ये 1080 की करता है, 4K का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों डिवाइसेस में हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, दोनों डिवाइसेस 10 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब दोनों डिवाइसेस के कैमरा सैंपल का कंप्लीट कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए कैमरा टेस्ट के सैंपल देखना शुरू करते हैं। ये इस वक्त फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है जो कि दोनों मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है फ्रंट के ऊपर और अभी आपके राइट साइड पे है Realme 5i और लेफ्ट साइड पे है Infinix Note 7 Lite। मेरे ख्याल से यहाँ पे Infinix Note 7 Lite की कलर सेचुरेशन ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड का भी सैंपल चेक कर लेते हैं दोनों मोबाइलों के और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। Realme 5i का जो रिज़ल्ट है वो कमाल का है, इसने एजिंग भी बहुत अच्छी की है और थोड़ी पिक्चर भी थोड़ी वाइल्ड है तो इस वजह से यहाँ पे तो सीधे सीधे जो है वो Infinix Note 7 Lite को बीट करता है Realme 5i। तो ये दोनों का रिज़ल्ट है, दोनों कैमरों का रिज़ल्ट आपके सामने है। कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं कि कौन से का रिज़ल्ट बेहतर है। कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये इसके अपने कैमरे से वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरे से। और इस वक्त मुझे फ़िलहाल तो ब्राइटनेस की वजह से जो है वो दोनों कैमरों का रिज़ल्ट एक जैसा ही लग रहा है, मगर ये है कि ऑन स्क्रीन जब आप इसको देखेंगे तो आपको बेहतर फ़र्क जो है वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, बेहतर फ़र्क आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं रियर कैमरे की यानी कि बैक कैमरे की। तो दोनों मोबाइल के रिज़ल्ट में कुछ ख़ास फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा मुझे। Infinix Note 7 Lite की कलर सेचुरेशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है और उसके अलावा मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि Infinix Note 7 Lite का जो रियर कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का मेंशन किया है इन्होंने, जबकि Realme 5i का जो रियर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है और दोनों डिवाइसेस के कैमराज AI बेस्ड हैं। पिक्चर में देखा जाए तो कलर नोट 7 लाइट के ज़्यादा सैचुरेटेड नज़र आ रहे हैं और ये सैंपल है रियर कैमरे का पोर्ट्रेट मोड में। इसमें साफ जाहिर है कि Realme 5i जो है वो बीट कर रहा है Infinix Note 7 Lite को, क्योंकि इसकी पिक्चर की क्वालिटी और एजिंग बहुत ज़बरदस्त है। जैसा हमने इसके फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट मोड में देखा था, इसी तरह रियर कैमरे में भी इसने एजिंग बहुत ज़बरदस्त की है। इसमें जो Realme 5i है इसकी जो पिक्चर है वो काफ़ी चौड़ी आती है, काफ़ी एरिया कवर कर रही है क्योंकि इसका कैमरा जो है वो वाइड कैमरा है इस वजह से। ये दोनों कैमरों के रियर कैमरे की वीडियो है और जिसके अंदर स्टेबिलिटी आप वाजे तौर पे देख सकते हैं कि Realme 5i जो है वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रहा है वीडियो में, जबकि कलर के अंदर भी जो है वो Realme 5i की सैचुरेशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट 7 की तरफ से 48 मेगापिक्सल जबकि 12 मेगापिक्सल है Realme 5i का, मगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है Realme 5i। तो ये है Realme 5i का स्लोमो सैंपल। मेरे ओपिनियन से हर लिहाज से Realme 5i जो है वो बेहतर है Infinix Note 7 Lite से। अगर लुक में देखा जाए तो हमारा पॉइंट जाता है Realme 5i को। स्क्रीन के रेजोल्यूशन सेम है मगर पंच होल डिस्प्ले की वजह से इसका पॉइंट Infinix Note 7 को जाता है। फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा हो दोनों की परफॉर्मेंस का पॉइंट Realme 5i को जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी एक का साइड पे है एक का बैक पे है और बैटरी भी दोनों मोबाइलों की सेम है, चार्जिंग भी 10 वॉट की है दोनों में, डिस्प्ले भी दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है और वेट भी तकरीबन दोनों का एक जैसा है।
लास्ट पॉइंट गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है रियलमी 5i में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।